श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गायब हुए स्वरूपों का जवाब लेने लिए सिख जथेबंदियों के वालों दरबार साहब कंपलैक्स में धरना दिता जा रहा है, जिसके उत्ते श्रोमणी कमेटी की टास्क फोर्स के वालों हमला किया गया तो पत्रकारों के नाल भी कुटमार की गई, जिस तों बाद श्रोमणी कमेटी के वालों एक वीडियो जारी करके अपना पक्ष रखा गया। समुची सिख संगत के चरणों में बेनती है, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर के बाहर कल सत्कार कमेटियां वालों जो धरना लगाया गया, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहुदेदार साहबान ते कर्मचारियों नाल उन्हां दी बैठक चल रही सी ते लंगर दे लागे जिथे संगत लई जोड़े घर बनाया उत्थे कुछ क शस्त्रधारी रवायती शस्त्र लैके निहंग सिंह वो आके बैठ गए ते संगत परेशान हुंदी सी। साढ़े कुछ अधिकारियों ने उन्होंने बेनती की भी बाबा जी इत्थे ना बैठो, उस समय दौरान उन्हों का तकरार उन्होंने होया। उस तकरार निहंग सिंह ने रवायती शस्त्र नंगियां कृपाना कढ़ के उन्होंने हमला करने की कोशिश की, तो साढ़े कुछ मुलाजमान ने उन्होंने फड़न की कोशिश की। वह फड़द जदों आपसी वो रवायती जी श्री साहब सी उत्तों फड़न लग्या, क्योंकि खदशा सी भी जे साढ़े सिंह ना फड़दे तो वह किसी पर हमला भी करता। उस समय दौरान एक निहंग सिंह की दस्तार लत्थी है, जिहदा सानू खेद है क्योंकि निहंग सिंह जिहड़ा है गुरु दीआं लड़दीआं फौजां ने, साडे मन च उन्हां प्रति बड़ा सत्कार आ। किसी की मनशा उहदी दस्तार लाउण दी नहीं सी, कुटिया नहीं किसी नूं गिआ, सिर्फ उन्हां तों शस्त्र फड़दे आए कुछ होया। उस क्लिप नूं लै के कुछ क लोगों ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुलाजमान के खिलाफ, जिवें एक सत्कारयोग साडी भैण बीबी जी कह रहा कि ये नारायणू महंत ने, उन्हां दे वारस ने, ये मसंद ने, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़े ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने पंथली वड्डियां कुरबानियां कीतियां ने उन्होंने परिवार ही इत्थे लगे ने। किसी बंदे दे भी मन में सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जिस मामले संबंधी सत्कार कमेटी बैठी आ, हर बंदे दे मन च दर्द आ, हर बंदा ही इस गल तो दुखी आ। साडा कोई भी मकसद किसी नाल लड़न दा, किसी नाल झगड़न दा, जां किसी नाल धक्का मुक्की करन दा कदाचित नहीं रहा।